हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेन ट्रेडर। बहुत दिन के बाद हम लोग एक फिर से एक नॉलेज वाला वीडियो लेके आए हैं कि हम लोग जैसे कि चार्ट पे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, उसमें से और एक हम लोग पैटर्न डिसाइड आज डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है इनसाइड कैंडल। ये स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ हर दिन, जो मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ नेक्स्ट डे का, अगर आपको वो एनालिसिस आपको सच में अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियोज को, ताकि और जैसे कि मुझे और मोटिवेशन मिले, और जैसे कि आपल्याला सर्वांना जर माझे चॅनल्स आपले व्हिडिओज खूप आवडत असतील तर प्लीज शेअर पण करा। आय मीन जसं हिंदीमध्ये सांगितलं तसं मी मराठीमध्ये पण सांगतोय, ओके। तर असं तुम्ही मला हे म्हणजे शेअर करून वगैरे मोटिवेशन देऊ शकता, तसं मी आमच्या आपल्यासाठी अजून नवीन नवीन व्हिडिओज वगैरे, इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज, एज्युकेशनल व्हिडिओज मी तुम्हाला घेऊन येईन मार्केट रिलेटेड, ओके। तर आज आपला सब्जेक्ट आहे हाऊ टू ट्रेड इनसाइड कॅन्डल। दॅट मीन्स इनसाइड कॅन्डल कैसे ट्रेड करता, इनसाइड कॅन्डल क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, ओके। तो हम लोग देखेंगे, जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ओके। हम लोग को यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मैंने पूरा FAQs ले लिया, 7-8 FAQs है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि आपको जो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर करने का और उसका एनालिसिस करने का ट्राई किया हुआ है, ओके। तो पहला मैंने लिया कि व्हाट इज द इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल होता क्या है। इनसाइड कैंडल इज अ फॉर्म, इनसाइड कैंडल इज फॉर्म आफ्टर द स्टॉक हैज एक्सपीरियंस डेली प्राइस रेंज विद इन द प्रीवियस डेज हाई लो रेंज, ओके। तो इंग्लिश वाला वर्ड हो गया, ठीक है, मैं आपको हिंदी में या मराठी में बताता हूँ कैसे होता है। इनसाइड कैंडल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक डे में या फिर 15 मिनट्स पे कैंडल पे बोलो या फिर डे के कैंडल पे बोलो, एक कोई बड़ा कैंडल बनता है, ओके। अगर एक बड़ा कैंडल बनता है फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स का एक फॉर एग्जांपल रेंज बना है बैंक निफ्टी में, ओके। तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का रेंज बनता है, फिर उसके बाद जितने भी 15 मिनट के बाद 15 मिनट के लिए जो भी कैंडल बनेंगे, 15 कैंडल्स या 5 मिनट के देख लो तो 5 मिनट के मिनट पे देख लो तो एक कैंडल, 15 मिनट का एक कैंडल, ऐसे कुछ, उसके आगे का जो कैंडल बनेगा वो उससे छोटा रहेगा। मतलब कोई 40 पॉइंट्स का रहेगा, कोई 60 पॉइंट्स का रहेगा, कोई 90 पॉइंट्स का भी हो सकता है, उसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। मतलब वो बड़ा जो मदर कैंडल था उसके अंदर एक कैंडल बना हुआ है, ओके। तर हे एक याचं जे इंग्लिश मध्ये लिहिलंय त्याचं जस्ट मी तुम्हाला विश्लेषण करून सांगतोय की परत मी एकदा वाचतो, इनसाइड कैंडल इज फॉर्म्ड आफ्टर द स्टॉक हैज एक्सपीरियंस्ड डेली प्राइस रेंजेस विद इन द प्रीवियस डेज हाई लो रेंज, ओके। प्रीवियस डे का जो हाई लो रेंज रहता है उसी बीच में वो कैंडल बनता है नेक्स्ट वाला, ओके। जो मदर बड़ा वाला कैंडल बनता है उसके नेक्स्ट वाला जो कैंडल बनता है वो उससे छोटा वाला कैंडल होता है, वो विद इन रेंज रहता है, ओके। आप फिर उसमें आपको ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट क्या, उसके बीच में कैंडल बनता है, उसके अंदर कैंडल बनता है, रेंज वाला कैंडल बनता है, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट वाला नेक्स्ट देखेंगे कि ये कैंडल दिखता कैसे है। जो मैंने आपको बताया कि वो कैंडल ऐसा छोटा होता है, ऐसा बड़ा होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये फॉर एग्जांपल ये आपका रेड वाला मदर कैंडल है, उसके बीच में एक रेंज जैसा खड़ा बना हुआ है, 15 मिनट का मैंने फॉर एग्जांपल दिखाया, वन डे पे देख सकते हो आप इसको। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करने के लिए अच्छा रहता है। तो ये मदर कैंडल है, उसके अंदर एक कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बना और एक या फिर रेड कैंडल भी बन सकता है। मैंने जस्ट आपको एक यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक रेड है, दूसरा रेड भी बन सकता है, ग्रीन है, ग्रीन भी बन सकता है, ग्रीन रेड भी बन सकता है, रेड ग्रीन भी बन सकता है, ओके। तो ये ऐसा दिखता है पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं कि हाउ टू ट्रेड दिस पैटर्न, कि हम लोग ये पैटर्न को कब ट्रेड करेंगे। तो वी विल ट्रेड दिस कैंडल आफ्टर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ द अर्लियर स्मॉल कैंडल। मतलब ये जो स्मॉल कैंडल है ये या फिर ये, इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लोग इसका ट्रेड ले लेंगे, ओके। तो ये ट्रेड लेने के बाद मतलब देखो इसमें ना, अब देखो ये कोई भी 100% वाला कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, वो कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी मार्केट में 100% चीज होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना है आपको करना कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, जैसे ब्रेकआउट होता है और जैसे ब्रेकडाउन होता है उसी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लोगों को ट्रेड लेना है, ओके। तो इस पर 60-70% इसका एक्यूरेसी रहेगा आपको ट्रेड करने का टाइम पे। और ये कैंडल जैसे बनता है ट्रेड लेते हैं, आपको रिस्क और रिवॉर्ड अपना डिफाइन होना चाहिए। तो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मतलब इसका रिस्क कहाँ पे रहेगा. सो स्टॉप लॉस विल बी द लो और हाई ऑफ द अर्लियर स्मॉल कैंडल. यू कैन कीप द स्टॉप लॉस एज पर योर रिस्क एपेटाइट. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अब कोई भी एक यहाँ पे सपोज ये ग्रीन कैंडल बना है, फिर रेड कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट हो गया, तो आप इसका यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो. और आप स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉप लॉस और टारगेट भी मैंने दोनों में एक अलग अलग चीज बताया. टारगेट इज नॉट डिफाइंड, मतलब टारगेट कोई भी डिफाइन नहीं है, बट यू कैन कीप दिस रेशियो एज अ 1:2, 3:4, बट इट शुड बी मोर देन 1:2. मतलब अगर आप कोई भी यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो ब्रेकआउट पे, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे, और इसका डबल आपको क्या लेना है, इसका डबल आपको आपका टारगेट होना चाहिए. ओके, या फिर डबल, ट्रिपल, 4 times, जैसा भी आपको आपके रिस्क एपेटाइट को ये होता है, सूट होता है, वैसा आप इसका जो टारगेट है वो रख सकते हो. ओके, यहाँ अगर आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रखना है, और इसके नीचे या फिर इसके 50% पे आप स्टॉप लॉस, आपका रिस्क अगर आपको कम रखना है तो उस हिसाब से आप कैपिटल छोटा है, रिस्क कम रखना है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो, और इसके नीचे का आपका टारगेट रहेगा. और यहाँ पे ऊपर जाना है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखते हो 50% वाला, और इसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा. ओके, तो रिस्क और रिवॉर्ड इस तरह से हम लोग ये करते जाएंगे, डिफाइन करते जाएंगे. ओके, अभी यहाँ पे अच्छा वाला टाइम, व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम फ्रेम टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न, मतलब ये पैटर्न आइडेंटिफाई करायला कोणती आपल्याला टाइम फ्रेम इजीली आहे, म्हणजे 15 मिनिट्सचे आहे, 30 मिनिट्सचे, आपण 1 मिनिटच्या कॅन्डलवर तुम्ही इनसाइड कॅन्डल बघायला चाल, तर दिस विल नॉट बी द करेक्ट टाइम फ्रेम. ओके, कारण त्यावर कसं आहे जे तुम्हाला छोटे छोटे 1-1 मिनिटचे कॅन्डल बनत असतात, तर ती इनसाइड कॅन्डल तुम्हाला एवढी परफेक्टली वर्क नाही करणार जी तुम्हाला 15 आणि 30 मिनिट्सचे कॅन्डल वर्क करेल. ओके, तर तुम्ही 15 आणि 30 मिनिट्सच्या कॅन्डलवर जेवढं तुम्ही ट्राय कराल हा पॅटर्न शोधण्याचा इनसाइड कॅन्डलवाला, तर तुम्हाला त्यामध्ये तुम्हाला अॅक्युरेसी जास्त चांगले आढळून येईल. ओके, तर तुम्ही डेली टाइम फ्रेमवर सुद्धा तुम्ही ट्राय करू शकता, पण डेली टाइम फ्रेमवर तुम्ही इंट्राडे मध्ये नाही ट्राय करू शकत. तुम्ही ट्राय करू शकता तुमचं कॅरी फॉर्ड तुम्हाला जर करायची असेल तुमची पोझिशन, तर त्यासाठी तुम्ही डेली टाइम फ्रेमवर ट्राय करू शकता. ओके, आणि इंट्राडे साठी तुम्हाला ट्राय करायचं असेल, तर यू कॅन ट्राय ऑन 15 मिनिट्स 30 मिनिट्स टाइम फ्रेम. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मैंने एक आपको दिखा है कि नेक्स्ट एक आपको पैटर्न कहाँ पे मिला है, लेटेस्ट चार्ट वेयर दिस पैटर्न फॉर्म. ओके, अभी 24 मार्च का जो हम लोगों का जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें हम लोगों को एक इंसर्ट डे कैंडल देखने को मिला है. मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे डाला उसका, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंसर्ट कैंडल बना और इसका नीचे हम लोग को टारगेट मिला. मैंने आपको यहाँ पे लाइव चार्ट पे भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कब मिला, जैसे कि ये सपोर्ट था. ओके, सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया, एक इनसाइड कैंडल बनाया, और हम लोग अगर यहाँ पे देख सकते हो तो इनसाइड कैंडल पे मैंने जैसे ब्रेक हो गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया. ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा, मेरा स्टॉप लॉस था स्पॉट का अराउंड 29 पॉइंट्स, और मेरे को टारगेट कहाँ पे मिल रहा है, 1:2 और मोर देन 2 के ऊपर भी मेरे को मिल रहा है. देखो आप, मेरा रिस्क अगर देखना चाहते हो, मेरा रिवॉर्ड तो यहाँ पे, मतलब अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको रेशियो का 2:1:2 और मोर देन 2 भी है. ओके, तो आप स्पॉट पे देख सकते हो, ऐसा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है. अगर आप प्रॉपर जगह पे ट्रेड ले रहे हो, तो अगर यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक किया, मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, दैट मीन्स रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद एक नीचे दूसरा कैंडल रेड जैसे बना, उसका ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत मैंने टारगेट ट्रेड ले लिया, मेरे को 1:2 का मेरे को टारगेट यहाँ पे मिला भी है. ओके, तो ऐसे कैंडल ये वर्क करते हैं. आप अगर देखना चाहोगे तो ऐसे हमेशा आपको 100% नहीं मिलेगा, लेकिन अपन आप अच्छे जगह पे, अच्छे पॉइंट पे आप इसको ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे भी देखो, इधर भी आपको इनसाइड कैंडल दिखाई दे रहा है, एक रेड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना, ब्रेक, इसका लो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन हाई ब्रेक होने के बाद तुरंत आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, तो यहाँ पे आपको पूरा 1:2 का टारगेट मिला ना, आप देख सकते हो सामने दिख रहा है. मैं ऐसा कोई अलग चीज या फिर कोई नहीं दिखा रहा आपको, ये मेरा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है. आप इसका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का लगा सकते हो, और टारगेट आपको 1:2.5 मिला आपको, आप समझ रहे हो. तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको, रिस्क अच्छा रिवॉर्ड भी आपको मिल सकते हैं. ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी आपको मेरे को समझ में आया, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, ये प्रेजेंटेशन बना, तो होप आपको ये सब, मेरा चैनल है, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है, आपको अच्छे लगते रहेंगे. अगर आपको सच में अच्छे लगते रहे, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियोस को शेयर भी करो. थैंक यू सो मच.